हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही नई सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पाइनएप्पल का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत रसीला और स्वादिष्ट बना था। आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बनाएंगे तो दूसरी बार तो रह ही नहीं पाओगे, अब बनाए भी ना। देखिए, मैंने पाइनएप्पल को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसके अच्छे से छिलके निकाल कर, और ये एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है, और मैं एक बड़ी सी परात में इसको डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं देखूँगी कि इसमें कंकड़ वगैरह ना हो। मैं पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी जब भी हलवा बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत कंकड़ जैसा लगता है, तो मैं एक बार इसे देख लेती हूँ। ये मैंने मोटा वाला सूजी यूज़ किया था। ये देखिए, मैंने पैन में घी ले लिया है, 3 चम्मच घी लिया है। अगर उस कटोरी से नापेंगे हम जिससे हमने सूजी नापी है, तो ये 1/4 कटोरी था, और ये मैंने सूजी डाल दिया है। फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसे लाइट पिंक होने तक भुनना है। एकदम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट कलर ही रखना है। हमें चलाते हुए ही मैं अब पाइनएप्पल को भी पकाऊंगी। ये देखिए, मैं एक पैन रखूंगी, यहाँ पर कढ़ाई है ये छोटी सी, और इसमें मैंने पाइनएप्पल डाल दिया है 1 कटोरी पूरा भर के। उसी कटोरी से नापा है मैंने, पूरा भर के 1 कटोरी था। और इसमें मैं डाल दूंगी चीनी 1/2 कटोरी। में हमें उसका सूजी का भी ध्यान रखना है, अगर आप साथ में बना रहे हैं दोनों चीज़ तो। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें 1/4 कटोरी डालेंगे पानी और इसे ढक के रख देंगे। देखिए, सूजी भी लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें 1 कटोरी पहले दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम वापस से 1 और कटोरी दूध डालेंगे। 2 कटोरी दूध का यूज़ करना है हमें इसमें। ये मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका दूध पूरा ख़त्म होने तक हमें इसे पकाना है, मतलब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए दूध तब तक। तो अब मैं पाइनएप्पल को देख लेती हूँ, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये देखिए, हमारा हलवा भी पक चुका है। अब ये जो पाइनएप्पल है ये हम डाल देंगे इस हलवे के अंदर। और ध्यान रहे, पाइनएप्पल में थोड़ी सी चाशनी बची रहना चाहिए, एकदम सुखाना नहीं है हमें उसे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और मिक्स करते हुए 1-2 मिनट और पका लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से रखना है इसका टेक्सचर। गैस बंद कर दिया है मैंने और इसे टेस्ट कर रही थी मैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो चलो, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।